सभी भाइयों बहनों को हर हर महादेव, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पवित्र सावन के महीने में भांग का पौधा कैसे लगाएं। ये भांग का पौधा आप देख रहे हैं, इसे मेरी माता जी एक पार्क से लेके आई हैं। मैं भी इसे पहली बार लगा रहा हूँ और पौधा थोड़ा बहुत मुरझा रहा है, तो देखते हैं कि ये इसका क्या रिजल्ट रहता है। मेरे पास एक ही गमला है, अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ, बाद में शिफ्ट कर दूँगा। तो ये मैंने भांग के लिए, पौधे लगाने के लिए जगह बना ली गमले में और मैंने इसे लगा दिया है। इसमें आप देख रहे होंगे ऑलरेडी पत्थर चट्टा का पौधा है, तुलसी माता का पौधा है और एलोवेरा है। ये मेरी मिट्टी है, उसमें काफ़ी नमी है क्योंकि सावन चल रहा है। सावन में मिट्टी जो गमला होता है उसमें पानी थोड़ा कम दीजिए क्योंकि इसमें मिट्टियों में नमी रहती है। और आप देख रहे होंगे इसमें कुछ केचुए लगे हुए हैं, ये मेरे हर गमले में है। सावन के महीने में ज़्यादातर गमलों में केचुए ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जो कि गमलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और केचुए क्या करते हैं, जो मिट्टी की ताजगी है, जो गमले में ताजगी होती है मिट्टी की, वो बनाए रखते हैं केचुए। ये इसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स पास करते रहते हैं और इसके जरिए जो सनलाइट होती है ना, वो जड़ों तक जाती है केचुए जरिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये भांग का पौधा है, अब इसे मैंने लगा दिया सावन के महीने में। आप देख रहे हो सावन के महीने में लोग इसे बेचते हैं भांगों को, पर हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पर लगाना चाहें तो ईजिली लग सकता है। अभी मैंने लगा दिया इसे, इसका 3-4 दिन बाद क्या रिज़ल्ट रहेगा मैं आप सबको बता दूंगा। और जैसे ही थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा, इसे मैं एक अच्छे से गमले में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये भांग का पौधा है, ये किसी, कई लोग इससे नशा करते हैं, पर उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये शिवरात्रि पर शिवजी को चढ़ाने के लिए है और लोग इसे शिवजी को इसलिए चढ़ाते हैं ताकि उनके जो भी वो हैं नशे हैं, जो भी मतलब उनके जीवन की दुविधाएँ, वो सब दूर हो जाएँ और लोग इन सब बुराइयों से बच सकें, इसलिए लोग इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय माँ काल। आप भी इस सावन के महीने में लगा सकते हैं भांग का पौधा। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ काल।